दोस्तों मैं आप लोगों को आज PUBG मोबाइल को इंटरनल ऑडियो के साथ कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मैंने पहली बार जब खेल रहा था PUBG मोबाइल, ठीक है, तो वो इंटरनल रिकॉर्डिंग हो पा रहा था। लेकिन जब मैं नया मोबाइल ख़रीदा, Redmi Note 7 Pro ख़रीदा, उसमें क्या हुआ ना, एंड्रॉयड का वर्सन अलग था और वहाँ पे एक एंड्रॉयड का न्यू रूल आया है कि आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो जितने भी सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, जो भी खेलते हैं अच्छा, वो अच्छा सा गेमिंग चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसको उन लोगों के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि आप ड्यू रिकॉर्डर एक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग पे जाना है और वीडियो रेजोल्यूशन आपके हिसाब से आप 1080 पिक्सल या 720 पिक्सल दे सकते हैं। उसके बाद वीडियो क्वालिटी 5 MBPS कर दीजिए और FPS को 60 पे रख सकते हैं या ऑटो रखे तो बहुत अच्छा होगा। और वीडियो ओरिएंटेशन जो है ऑटो रखना है और रिकॉर्ड ऑडियो को टर्न ऑन करना है और आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हाइड द रिकॉर्ड विंडो व्हेन रिकॉर्ड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद और एक मेन सेटिंग जो है वाटरमार्क, इसको डिजेबल करना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड करिए, ठीक है। तो उसके बाद बैक करना है आपको और आपका जो गेम है उसको ओपन करना है, ठीक है। मेरे पास दो है, मैं फिलहाल पबजी। पहले आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो मिक का सिंबल दिख रहा है ना, जो वहाँ, उसको क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना है। ऊपर का साउंड को आप टर्न ऑन करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये नीचे वाला जो साउंड जैसा बटन दिखा रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन दिखा रहा है, उसको आपको टर्न ऑफ करना है, नहीं तो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उससे टर्न ऑन करके साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ईयरफोन की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप विदाउट ईयरफोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए साउंड आएगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, आपको साउंड आएगा, ठीक है।